सन 1947, बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता। सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, जिसे लोग ने ढेर सारा प्यार भी दिया था और जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इसी के साथ आपको बता दें कि इस जोड़ी को भी लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था और अब 20 साल पूरे होने पर इस फिल्म का सीक्वल भी आ रहा है, जो की है गदर 2, जिसमें इस जोड़ी की वापसी करते हुए आपको बड़े पर्दे पर दिखाई देगा। फिलहाल गदर 2 की पूरी टीम हिमाचल में रुकी हुई है और हिमाचल की हसीन वादियों में इसका शूट किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और फिल्म के एक्टर यानी कि सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज शेयर की है जहां उन्हें तारा सिंह के अवतार में देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म की पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने वो इमेज शेयर की, उन्होंने उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ भाग्यशाली लोगों के ही ऐसे अद्भुत पात्रों को जीने का वापस मौका मिलता है। और साथ ही 20 साल बाद हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तारा सिंह। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ इसके पहली शेड्यूल की शूटिंग पूरी होने के बाद। इस पोस्ट को देखते हुए सनी देओल के फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पाजी अब जल्दी से शूटिंग खत्म कीजिए क्योंकि हम आपको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सनी देओल की अपकमिंग फिल्म यानी कि गदर 2 रिलीज होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कहा कि फिल्म की शूटिंग हिमाचल में हो रही है तो यह पालनपुर के एक छोटे से गाँव भलेड़ में हो रही है, जिसके लिए मेकर्स ने एक प्रॉपर्टी मालिक से उनकी प्रॉपर्टी को किराए पर लेने के लिए 11,000 में बात की, लेकिन अब प्रॉपर्टी के मालिक ने लाखों का बिल थमा दिया है। प्रॉपर्टी मालिक का कहना है कि इन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी की है। प्रॉपर्टी मालिक का ये दावा है कि मेकर्स ने उन्हें सिर्फ 3 कमरे और 1 हॉल की बात की थी, जिसके लिए उन्होंने 10 दिन का किराया 11,000 लगाया था, लेकिन अब उनका कहना है कि मेकर्स उनके पूरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि उनके बड़े भाई की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी शूटिंग में कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली के बीच काफी कुछ दिक्कतें आई है और इसीलिए उन्होंने गुस्सा होकर के मेकर्स को लाखों का बिल थमा दिया है। लेकिन इसके बारे में मेकर्स की तरफ से या तो उसके एक्टर्स की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई। सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं। शूटिंग से जुड़ी कुछ पिक्चर्स और हिमाचल में आनंद लेते हुए कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वो हमेशा ही शेयर करते रहते हैं। इसी दौरान सनी के पिता यानी कि धर्मेंद्र ने अपनी बेटी की एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा कि आपको स्नो का आनंद लेते हुए देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मेरा ढेर सारा प्यार और आप अपना ध्यान रखना। वहां फोटो में सनी ने काले कलर का कैप पहना और अपने गले में मफलर पहने और उनके सर पर उनके आसपास ढेर सारी बर्फ पड़ी हुई नजर आ रही है और वाकई में इसमें सनी शानदार लग रहे हैं। इसी के साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी गदर 2 की टीम फिलहाल हिमाचल प्रदेश में 1 महीने रुककर इसकी शूटिंग पूरी करेगी। तो आप गदर 2 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है जल्दी से चाहिए बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम तो भाई बहुत ज्यादा है। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना।